हेलो आइस, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाइपरबॉलिक फंक्शंस, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे ये जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस है, ये डिस्कवर कैसे हुए हैं, ये होते क्या हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है, ये एक यूनिट हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इस यूनिट हाइपरबोला की हेल्प से बना है। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये वन होगा। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट बी है, जिस पे आउटपुट जो होगा वो हमको इस इक्वेशन में इस इनपुट को डालने पर मिलेगा। तो इस तरह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा रूट बी स्क्वेयर माइनस वन। तो देखिए, ये जो हाइपरबोला है इसको स्टडी करने पर ही हमें हाइपरबोलिक फंक्शंस मिले थे। वो कैसे मिले थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल होगा यहाँ पे, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से मिलाता हुआ एक अगर रेक्टेंगल बनाया और हम अगर इस ग्रीन एरिया को पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे। इस ग्रीन एरिया को पता करने के लिए हम सिंपल सा काम करेंगे। पहले तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया पता करेंगे, उसके बाद वन से बी के बीच का ये जो एरिया है हम इस एरिया को पता करेंगे और इस एरिया को इस टोटल एरिया में से घटा देंगे तो हमको ग्रीन एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। तो एरिया कैसा पता करते हैं? एरिया पता करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। हम इंटीग्रेशन करेंगे वन से लगाकर बी तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वाई को टू होगा रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो है वन बाई टू इंटू बी इंटू रूट बी स्क्वेयर माइनस वन माइनस नेचुरल लॉ बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन ब्रेकेट क्लॉज, ठीक है। हमें ये रिजल्ट मिलता है जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, वन से बी के बीच में। इसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, वो होता है वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है बी, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ बी है और इस पॉइंट पर जो हाइट है वो है रूट बी स्क्वेयर माइनस वन। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी और रूट बी स्क्वेयर माइनस वन का मल्टीप्लाई किया है वन बाई टू में। तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया और इसका भी एरिया हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन एरिया को निकालने के लिए हम इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो देखिए, हमने रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दिया है तो हमको ग्रीन एरिया मिल जाएगा। उसके बाद इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको एरिया मिलेगा ए इक्वल टू नेचुरल ऑफ बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस वन बाय टू। ये जो रिजल्ट मिला हमें ये ग्रीन वाला एरिया है। अब ये इसको देखिए आप, हम जब यहाँ पर कोई इनपुट डालेंगे बी जैसे टू थ्री फोर फाइव सिक्स या कुछ भी इनपुट डालेंगे यहाँ पे, तो हमें आउटपुट के रूप में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके जगह पे एक क्वेश्चन ए मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू होगा एल एन बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन। हमने बस इसको ए के इक्वल माना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर x इक्वल टू बी माना है। तो ये जो b है ये इक्वल टू होगा e की पावर a प्लस e की पावर माइनस a बाई टू का। अब हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि हमने b को इसके इक्वल क्यों लिखा। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। हमारे पास a इक्वल टू है एल एन बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो b के इक्वल ही होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे जब हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा। क्या होगा, एक्स इक्वल टू बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन बाय बी प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन बाय टू। इसके बाद हम इस टर्म में बी माइनस वन रूट बी स्क्वेयर माइनस वन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा b प्लस रूट बी स्क्वेयर माइनस वन प्लस
बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन। ये जब माइनस वन का जब मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्लस वन मिलेगा। और उसके बाद इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें टू बी बाई टू मतलब बी मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली बी होगा। तो इसका मतलब है कि हम बी को इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे वाई को टू है हमारे पास रूट बी स्क्वायर माइनस वन, इसको हम ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस ए बाई टू के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो रूट बी स्क्वायर माइनस वन के बराबर होगा। जैसे कि हमने पिछले वाले केस में देखा था बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। और लास्ट टर्म है ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा रूट बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो यही कारण होता है कि ई की पावर ए माइनस ई की पावर माइनस ए बाई टू को रूट बी स्क्वायर माइनस वन के इक्वल लिखा जाता है, मतलब वाई के इक्वल लिखा जाता है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है। बस हमने एरिया पता किया, एरिया पता करने के बाद भी बाय चांस ए की पावर ए प्लस ए की पावर माइनस ए बाई टू के इक्वल निकला और वह इक्वल था रूट बी स्क्वायर माइनस वन के, जो कि बाय चांस ए की पावर ए माइनस ए की पावर माइनस ए बाई टू के इक्वल निकला, है ना। अब हमने इनका प्रूफ भी देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्यों होते हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद आप देखिए ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, लेकिन अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। हम इसको किसी फंक्शन के सिंबल जैसे एफ ए जी ए इनके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जो मैथमेटिशियन थे जिसने इसको डिस्कवर किया या फिर इसको स्टडी किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से इंस्पिरेशन ले गया, इसको कुछ एक स्पेशल टाइप का फंक्शन नाम दिया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पर भी मान लीजिए मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई होगा और पोलर कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा कोस थीटा और साइन थीटा, है ना। और ये कैसे होगा ये आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने समझाया साइड में, तो यहाँ पर ये होगा कोस थीटा और ये साइन थीटा, मतलब एक्स के इक्वल होगा कोस थीटा और वाई के इक्वल होगा साइन थीटा, ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो हमने बिल्कुल यहीं से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने कुछ नाम दिया है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स को कोस हाइपरबोलिक ए नाम दिया है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से अलग दिखाने के लिए यहाँ पर कोस फंक्शन के साथ ए जोड़ दिया है, ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में डिफरेंस आसानी से देख सकें, इसलिए हमने यहाँ पर एच का सिंबल का यूज़ किया है। लेकिन ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा फंक्शन है जैसे एफ एक्स होता है जी एक्स होता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक फंक्शन है जो कि एक्चुअल में ई की पावर ए प्लस ए की पावर माइनस ए बाई टू के इक्वल है ना। मतलब इसके ऊपर ये एक लेबल है, बिल्कुल वैसे ही हमने वाई के इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए लिखा जो कि ई की पावर माइनस ए माइनस ई की पावर माइनस ए बाई टू के इक्वल होता है, मतलब इसका एक लेबल है। और मैं आपको फिर से बता दूँ ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, जैसे एफ एक्स जी एक्स ऐसा फंक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन है जो कि इसके इक्वल है, हमने इसको नाम दिया है। और ये कैसा आया इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। तो ये होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। उसके बाद अगर हम इस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का डिवाइड करें तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है टेन हाइपरबोलिक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से इंस्पिरेशन लेके ही बनाया गया है। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से होगा, बस हमने इस फंक्शन में इसको डिवाइड किया है तो ये मिल जाएगा हमको। और उसके बाद इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ये वाली जो रेड लाइन है ये y को टू साइन हाइपरबोलिक x के लिए, और ये जो ग्रीन लाइन है
ये वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए है, और ये जो ब्लू लाइन है छोटे डॉट डॉट वाली, ये वाली लाइन है टेन हाइपरबोलिक एक्स की, है ना। ये तीनों फंक्शंस के अलग अलग ग्राफ है जो कि अलग अलग कलर्स में शो हो रहे हैं, और इनकी हेल्प से जो हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला होते हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं। वो तो बहुत आसान है, बस इस चीज़ को समझना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक बाई टू के इक्वल टू क्यों होता है, यही मेन बात है। बाकी तो सिर्फ सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं उनमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।